देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे तू हजे तक तैयार नहीं हुई, मैं कहती तेरी उड़ीक कर दी पीसी। चल तैयार हो जा जल्दी जल्दी, जो मैं सोचा थी वो तो मेरे पुट्ठा रह गया। मैं सोचा थी युवराज ते सरगुण नु अड करके इस घर च अग लावांगी, फिर वो आप ही बुझा के युवराज तक ब्याह करांगी, पर मेरा सपना था सपना ही रह गया। हजिंदर बीपी जी नु सरगुण चंगी लगन लग पी, पता नहीं उन्हें केड़े बापे आदम दे जमाने दा लेप लाया है कि बीपी जी दे पैर इकोदम चंगे पले हो गए। इको ता इंसान इस घर विच जो अखा बंद करके तेरे हक लई बोलदा है, जे वो सरगुण वाल होगी ना तो फिर हो गया काम। नहीं, मैं किसी भी कीमत ते नहीं होन दवांगी। मैं भी देखती हाँ सरगुण है ड्रामे कदों तक चलांदी। जे बीबी जी सरगुण वाल होगे तो की होया, हुण मैं इस पूरे टब्बर नू सरगुण दे खिलाफ कर दांगी। तेरी इस घर च पुट्ठी गिनती शुरू सरगुण, चक अपना समान तो इतों तुरदी बन। सुहाने पुत्र, पुत्र है मेनका का हिस्सा है, उदे पैसे ने जाके तो उन्होंने दे। मम्मी आ तुसी की कर रहे हो, आ सारे दे सारे पैसे मेनका नू दे रहे हो, साढ़े कोल की बचूगा? नाले मम्मी तुसी आप सोचो कि असीं घर दा खर्चा किवें चलावांगे। सबर रख पुत, रब वेखदा है वो सब दा भला करेगा, जाके ते दे आ जा। एदा नहीं, एदा कहो कि जाके उस भिखारे दे कॉलेज भीख पाया। नहीं सानवी पुत्र, एदा नहीं बोलीदा, असीं मेनका नूं वादा कीता है 90% कमाई उन्हूं देण दा। पुत्र असीं वादे तो पिछे ते नहीं हट सकते ना, जो जबान दिती है वो तो पूरी करनी पैनी है ना, नहीं तो फिर उदे ते साडे च की फर्क रह जूगा है। मम्मी तुसी तो भगवान राम जी वांगू हर वादा निभा रहे हो, पर तुहानू लगदा है कि मेनका निभाओगी? नहीं ना, ते फिर मम्मी सानू की लोड़ पई है ओहो जी घटिया जनानी दा हर वादा पूरा करन दी? नहीं मम्मी, एहे पैसे किते नहीं जाणगे बस। सुहाने मेरा रब वेखदा पिया है, कल नू मैं उन्हूं जान देनी है, की मूंह विखावांगी मैं अपने उस रब नू। क्या बात है मम्मी, लॉजिक लॉजिक चो तो तुहाडे चो कोई जित ही नहीं सकदा। हुण मरन मराण वालियां गल्लां कित्थों आ गईआं? बस मैं कहता ना कि ये पैसे किते नहीं जाणगे मतलब किते नहीं जाणगे। लगदा सरगुण जांदी जांदी अपना रंग तुहाडे दोवां ते चाढ़ गई है। मम्मी ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੂਗੀ। ਸੁਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 90% ਕਮਾਈ ਮੇਨਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। एक पासे ओ मेनका ते दूजे पासे समर दी मम्मी कसर पूरी करी जांदे ने, जेदे करके मेरी मां दी जिंदगी खराब हुंदी पई आ। मैं हुणे करदी आ सब कुछ ठीक। ए की ड्रामा चल रहा, की कर रही है तुहाडी मम्मी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ ਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
मेरी मां दिया तीन तीन धियां ने, जे एक दा औखे सौखे ब्याह हो गया तो दूजी का भी हो लैन दो, क्योंकि होर साडे को नहीं सिया जान दिया। नाले समझ मेरे मम्मी ने तो तुहानू अपना मुंडा समझा, अपने हाथों नाल खवाया, ते बदले च मेरे मम्मी नू की मिल रहा। आ सब एक गल हमेशा याद रखियो समर, मन दी कि मैं तुहानू बहुत प्यार करदी हां, पर जे कदी समा आया ना कि मैनू तुहाडे चो या अपनी मां नू चुनना पिया, तो मैं हमेशा अपनी मां नू चुनांगी। जे तू हाडी मम्मी दी डिमांडा पूरिया करदे करदे मेरी मम्मी नू कुछ भी होया ना, तो मैं तुहाडे पूरे टब्बर नू कदी माफ नहीं करांगी। आई गल समझ? चंगा है मैनू टाइम से नहीं पता लग गया कि तेरे दिल च मेरे लिए किन्नी की इज्जत है। हुण देख तू चंद्रा दा चंद्रापन, एहो जी जगह ते वार करांगे कि सारा दा सारा खानदान मेरे पैरां च होगा। सत श्री अकाल जगदीश अंकल जी, हाँ जी तुम पहुंच गए? मैं तुम्हें एड्रैस भेजा, अपना फोन चैक करो। चुमके सारी क्रोकरी ना ध्यान नाल रखी, किते किसी का हाथ बज के ना टूटी ना जावे। चंगा? हाँ जी, तुम घर नहीं मिल रहा? ओहो अंकल जी, तुम ना गलत जगह चले गए हो। तुम काम करो, तुम उत्थे खड़े रहो, मैं शटी भेज रहा उन्हें। ठीक है शटी, ओ शटी एक काम कर, फटाफट जा जगदीश अंकल ना लेके आ, वो गलती नाल ना मॉडल टाउन वाली गली चढ़ गए ने। ठीक है मैं जाना। मम्मी पापा छेती तैयार हो जाओ, जगदीश अंकल आंदे होने हैं, वो शर्टी उन्होंने लैन गया है। वाह सरगुन, तू तो बड़ी चंगी तैयारियां कीतियां ने, मुंडे वाले ए तैयारियां देख के ना इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं कुछ खास नहीं, बस माड़ा मोटा ही किता मैं। हेलो हेलो सरगुन, चंद्रा बोल रही हूँ, की हाल है तेरा कुड़ी है? सत श्री अकाल आंटी जी, किवें हो तुसी? अज तुसी मैनू किवें याद कर लिता? मेरी गल ध्यान नाल सुन, ते तू छेती अपनी माँ दे घरे पहुँच, नहीं तो आज सानवी दा रिश्ता टुट गया समझ। इदा किवें टुट गया? तुसी मजाक समझिया? अच्छा तू ना, मैं तो दसना सी सो तेनू दसता, हूँ देख मैं की करदी हाँ। जावा कि ना जावा, इत्थे भी रहना जरूरी है ते उत्थे भी जाना, पर दोहां चो किसी एक जगह तो रहना ही पौगा मैनू। इत्थे सब कुछ देखने दे लई तां बहुत लोकी ने, पर उत्थे मेरी मम्मी जी कल्ले है। पहला भी सानवी दीदी का रिश्ता टुट चुका है, ते जे इस बार ये रिश्ता मेरे उत्थे ना पहुँचने की वजह के नाल टुट गया तो मैं अपने आप नू कदी माफ नहीं कर पावांगी। मैनू जाना पेगा। सरगुन जी पर किथे? मम्मी जी दे घर। सरगुन जी सरगुन जी की होया, किथे जा रहे हो? देख मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं मम्मी जी दे घर जाना है, मैनू बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। पर गल हुई क्या, दसोगे मैनू कुछ? मैं तेनू क्या ना, मैं हजे तेनू कुछ भी नहीं दस सकती, मैनू बहुत जरूरी काम है, पीछे हट जा तू। नहीं मैंने तुहानू कितनी जान देना। देख युवराज जे तू पीछे ना हटिया तो मैं मोटरसाइकिल तेरे उत्तर ही लंघा के इत्थों दी निकल जाना। ठीक है जाओ फिर, पर मैं भी ना तुहानू कल्ले नहीं जान दांगा। तुसी गुस्से च हो, कितने सटपिट लगी फिर? आपां इकट्ठे चलदे, जिन्नी छेती जावांगे उन्नी छेती वापस भी आ जावांगे। हुण की सोची जाने हो? उतरो उतरो। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ,
सरगुन दे नाल युवराज भी चला गया। लगता है रब अज मेरे ते ज्यादा ही मेहरबान है। मेरा काम अज होर भी आसान हो गया। आशा जी, आशा जी, मम्मी जी, सासिका आंटी जी, तुसी इत्थे, मेरा मतलब जे मैनू पहला पता होंदा तुसी आउणा तां मैं तुहाडे वास्ते कुछ स्पेशल बना के रखदी। मैं इत्थे तेरे हाथ दा कुछ बनाया खान नहीं आई। छेती अपनी मां नूं बुला, मैं कोई गल करनी है। आ लो सरगुण दा फोन। ये चाल पुट्ठी पै गई ना ते की करेंगी तू? मम्मी जी, तुसी हमेशा इना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं सारा इंतजाम कर रखे, तुहानू फिकर करने की कोई लोड़ नहीं है। पर जिन्ना मैं कहा उन्ना करो। ठीक है, जिवें तू कहें। एक जरूरी गल याद रखियो, जब तक मैं इशारा ना करा ना तब तक कुछ भी ना करें। जे प्लान सक्सेसफुल रहा ना तो सरगुन का इस घर आखिरी दिन होएगा। बाय बाय सरगुन, जाके अपना ढाबा सांभ। चंद्रा भैन जी, सत श्री अकाल। ले ना कोई फोन ना कोई सुनिया, माड़ा जा फोन कर दें ते मैं कोई तैयारी कर छड़ दी। सामी पुत्र छेती जा ते फटाफट चाह बना के लाया। पुत्र आओ भैन जी, मैनू नहीं चाहिए कोई चाह शाह। ओह भैन जी, पहला बैठो तो सही, आओ आराम नाल बैठो, फिर गल करने हैं। बैठन जोगा तुसी लोगों ने छड़े कितने है? क्यों, की हो गया चंद्रा जी? 5 मिनट रुक जाओ बस, ताड़ी कुड़ी आने वाली है, फिर सब पता लग जाएगा की गल है। सत श्री अकाल आंटी। सुहानी, की गल है पुत्र? की गल है मतलब? आ गई सुहानी भैन जी। हाँ जी दसो की गल है? तुसी लोकी मेरा मजाक उड़ा रहे हो है? मैनू बेवकूफ समझ रखा तुसी सारे ने। मैं इस कुड़ी की गल नहीं कर रही, मैं तुहाडी कुड़ी सरगुन ते हरजिंदर पट्ठल दी नूंह दी गल कर रही हाँ। हरलीन पुत्र, बुआ खोल बेटा, जे कोई आ गया थे। हरलीन कितने हैं, मुंडे वाले आ गए ने? रूप पुत्र देखना, हरलीन ने अपने आप नु बाथरूम च बंद कर लिया। हरलीन दरवाजा खोल ते बाहर आ जल्दी। नहीं मैं नहीं आना, तब तक युवराज नहीं आंदा मैं नहीं आवांगी। देखना पागलां दी तरह कदों दी अंदरों ही आवाज़ मारी जा रही है कि जदों तक युवराज नहीं ना आएगा ये दरवाजा नहीं खोलेगी। हरलीन, मतलब कि मैं इस घर दा कुछ नहीं लगदा। सरगुन जी, मेरा भी निजी मामला है। देख मेरा ना इस टाइम लड़न दा बिल्कुल भी मूड नहीं है ते ना ही मेरे को टाइम है, तू बस इत्थों ही चला जा। सरगुन जी, मैं तुहानू पहले ही कहा सी कि मैं तुहानू इहो जिहे हालात च ना नहीं छड्डांगा, मतलब नहीं छड्डांगा। मैं पूरी उम्र तुहाडा साथ देण दा वादा कीता है। मैं वेखनी हाँ सरगुन आई है कि नहीं आई। देख मेरा मूड ना पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, तू बस इतो नहीं चला जा। हाँ तो फिर तुसी भी ना मैनू अंदर जान वास्ते नहीं रोक सकते। तू मेरी जिंदगी च दखल अंदाजी क्यों दिना है? मैनू नहीं ये सब पसंद। हाँ तो फिर मैं भी तुहाडे खातर नहीं, मैं अपने सास, मेरा मतलब है मैं आशा जी नूं मिलन आया। तू ना मेरी मम्मी जी नूं ना सस सस कहना ना बंद कर।
तेनू पता है ना अपने दोवे का यह रिश्ता सिर्फ लोग दिखावे वास्ते है। मैं इस रिश्ते नू बिल्कुल नहीं मानती। तू अंदर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। मैं सरगुण पुत्र तू आ गई है। चंद्रा भैन जी अंदर तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैनू तो समझ नहीं आ रही करण की आए ने। कोई गल नहीं मम्मी मैं देखती हूँ चलो अंदर। हाँ युवराज पुत्र तू भी आना। हाँ जी हरलीन प्लीज जिद ना कर भैन बन के बाहर आ जा। पुत्र खोलना दरवाजा देखना रूह भी आ गई है हुन। बीबी जी हरलीन दी नू बाहर बुला रहे ने ते तुहानू पता बाहर मुंडे वाले किन्ना रौला पाए जांदे ने। कुड़ी कित्थे है कुड़ी कित्थे है। हरलीन ने ना अपने आप नू अंदर बंद किया होया ते जिद कर रही है कि जब तक युवराज नहीं ना आऊगा मैं बाहर नहीं आऊंगी। हरलीन दीदी सारे जने तुहानू बाहर बुला रहे ने प्लीज दरवाजा खोल दो जिद छड्ड भी दो हुण। मैं युवराज ध्यान तो बाद ही थल्ले आवांगी बस गल खत्म। जी मम्मी जी नू पता लग गया युवराज ते सरगुण दोवें घर नहीं हैगे वह बहुत ज्यादा गुस्सा करनगे। ओ की हो गया की गल है ओ इन्नी देर क्यों लग रही है तुहानू। चुंकी तेनू तो मैं हरली नू लैण लई भेजिया सी ना तू इत्थे खड़ी की कर रही है। चल जा बाहर जाके प्रौणियां नू पुछ जाके चाह पानी दे उन्हां नू। हजिंदर देखना हरलीन किदों दी अंदर बैठी बोल रही है कि मैं बाहर नहीं आवांगी जदों तक युवराज नहीं आंदा। युवराज किथे है युवी। सरगुण दे नाल सरगुण दी मां दे कर गए। इस टाइम दिमाग ते नहीं खराब हो गया उन्हां दा। ओ कुड़ी भी ना जान बुझ के सब करदी है ताकि मेरी बेइज्जती हो सके सारे लोकां विच। हरलीन पुत्र पुत्र इवें जिद नहीं करी दी हुंदी। चल बाहर आ जा मेरा बेटा देख जे तू मैनू मनदी है ना या तेरे दिल विच थोड़ी जी भी इज्जत है मेरे लिए ता बच्चे कुंडा खोल ते प्लीज बाहर आ जा। आंटी जी मैनू माफ करियो मैं तुहाडी गल नहीं मान सकती क्योंकि युवराज ने मेरे नाल वादा किया सी कि वह मेरे नाल रहूगा एक चंगा मुंडा लभन च मेरी मदद करूगा। हुण जब तक वह नहीं आंदा मैं बाहर नहीं आ सकती। नहीं हरलीन पुत्र इस तरह नहीं कहीदा हुंदा जे तू बाहर ना आई तो लोकी की कहणगे। मैं कह रही है ना तेनू तू छड़ युवराज नू मैं जो कह रही हूँ चल बाहर आ जा। हरलीन मैं तेरे नाल वादा करती हाँ तेनू विआह दे कोई दबा नहीं पाएगा। आ जा पुत्र हुण तां बाहर आ जा। ठीक है मैं ये सब तुहाडे लई कर रही हूँ होर किसी दे लई नहीं पर आखिरी फैसला युवराज ही लऊगा। ठीक है पुत्र चला जल्दी आ जा। सौ लगे महाराज दी सच्ची गल है दिल खुश करता तुसी मेरा इन्नी सोहनी कुड़ी लभी तुसी परमीत वास्ते हैं। भाई साहब ए ते संजोगां दी गल है असी तुसी तां सिर्फ एक जरिया हुंदे आ बाकी जोड़ियां तां रब उत्तों बना के भेजदा है। एकदम सही गल कही है तुसी भैन जी बिल्कुल सोने अर्गी खरी। और मुंडिया तू भी कोई गल गुल कर ला उहदे नाल ब्याह तेरा होना मेरा नहीं। पर मीत पुत्र तेरा डैडी जॉली बहुत है कॉलेज दे दिनां विच सानू बड़ा हसाउंदा सी पर फैसरां दी नकलां ला ला के। ओ अमृत ओ तैनूं गल याद है ओ जिहड़ा इक अपना अंग्रेजी वाला लैक्चरर हुंदा सी ओ पतला जिहा बिल्कुल ही ओ इदां लगदा सी जिद्दां तिली दे विच पेंट पाई होवे ते उपरों चुंडी लाई होवे। बस फिक्र हुण तुसी असीं इत्थे कुड़ी वेखण आए तुहाडी गल्लां नहीं सुनण आए। परमीत तू कुड़ी नाल कोई गल करनी है ते कर लै। नहीं बस ठीक है मम्मी जी पापा जी मैनूं कुड़ी पसंद है। ओ लो जी लो 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 ओ तुसी मूंह मिट्टा कराओ जी अपना ते मेरा भी।
धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुहानू साडी धी पसंद आ गई। पर यह सब पक्का होने तो पहला मैं चाहनी हाँ कि एक बार हरलीन नू पुछ लईए कि उसके दिल विच की है। क्यों हरलीन? देखो जी, तुहानू कोई इतराज नहीं, तुसी एक छड़ गए तो मैं तुसी दस बार पुछो। आखिरकार मुंडे कुड़ी का ब्याह होना है, कल सारी जिंदगी कहेंगे कि हाँ जी तुहानू कोई पुछा नहीं। हरलीन पुत्र दस, तैनू किवें दा लगा मुंडा? जो तेरे मन च है ना, बस बोल दे, झिझकी बिल्कुल ना, ठीक है? हरलीन पुत्र बोल ना, रिश्ता पसंद है तेनू? ये सब मैं युवराज ते छड़े है, जे उनू पसंद होगा तो मैनू भी। जे अज फिर उस कुड़ी सरगुण करके साड़ी बेइज्जती हुई ना तो छड़ांगे नहीं उसनू।